नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देव व्यापार के अड्डे पर पुलिस ने मारा छापा, 3 सेक्स वर्कर बरामद, संचालक और ग्राहक गिरफ्तार। बिहार विधानसभा चुनाव का हुआ आगाज, राजद ने बजाई थाली तो भाजपा ने की वर्चुअल रैली। पार्टी में पद नहीं मिलने से नाराज नेताओं ने दल छोड़ने का किया ऐलान, कहा वर्षों की सेवा नहीं मिला सम्मान। साइबर ठगों ने कुलपति और प्राचार्य को बनाया निशाना, ईमेल के जरिए मांगे रुपए, FIR दर्ज। और भागलपुर में तालाब में नहाने के दौरान वृद्ध की डूबने से हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। अब समाचार विस्तार से। शहर के पॉश इलाके में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। शनिवार की रात सिटी DSP राजवंश सिंह ने DDC आवास के सामने एक गली स्थित सुधांशु सिंह के मकान में छापेमारी कर सेक्स रैकेट चलाने वाले दंपत्ति के साथ एक ग्राहक को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने देह व्यापार के धंधे से 3 लड़कियों को मुक्त कराया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कमरे से कई आपत्तिजनक सामानों को भी बरामद किया है। सिटी DSP राजवंश सिंह ने बताया कि सेक्स रैकेट चलाने वाले मारूफ चक निवासी बबलू शाह उर्फ अनिल अपनी पत्नी हेमा देवी के साथ मिलकर काफी लंबे समय से जिस्म फरोशी का धंधा कर रहा था। इन लोगों के द्वारा बंगाल से लड़कियां को लाकर जिस्म फरोशी का काम कराया जाता था। सिटी DSP ने कहा कि इससे पूर्व भी भिकनपुर और आदमपुर इलाके में सेक्स रैकेट चलाने में दोनों को 2 बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जेल से छूटने के बाद दोनों ने फिर से जिस्म फरोशी का व्यवसाय शुरू कर दिया। वहीं मौके से पकड़ा गया ग्राहक वारसलीगंज निवासी राहुल कुमार सोने चांदी का दुकान चलाता है। सिटी DSP ने कहा कि धंधे से मुक्त कराई गई तीनों लड़कियां पश्चिम बंगाल की है और गरीबी के कारण ही वह इस धंधे में शामिल हुई है। फिलहाल पुलिस ने बबलू शाह, हेमा देवी और राहुल को जेल भेज दिया है। छापेमारी टीम में जोक्सर थाना अध्यक्ष विश्वबंधु कुमार समेत महिला पुलिसकर्मी मौजूद थी। राजद के गरीब अधिकार दिवस को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर रविवार को राज्य भर में सरकार के खिलाफ ताली और थाली बजाकर विरोध जताया गया। राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद ने राजद परिवार की ओर से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आदेशानुसार थाली एवं ताली बजाकर विरोध जताया। जिलाध्यक्ष ने सरकार पर मजदूर विरोधी एवं जन विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार के आला अधिकारी द्वारा मजदूरों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करना गलत है और यह सरकार की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रवासी एवं बिहारी मजदूरों को रोजगार देने के साथ 10,000 नगद राशि दे, जिससे श्रमिक मजदूरों को राहत मिल सके। साथ ही ADG द्वारा मजदूरों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी सार्वजनिक रूप से मजदूरों से माफी मांगे, नहीं तो आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार को गंभीर परिणाम भुगतना होगा। हम लोग गरीब अधिकार दिवस के रूप में मना रहे हैं। बिहार में जो मजदूर आए हैं वो रोजगार के लिए तड़प रहे हैं, सरकार सबसे पहले उनको रोजगार मुहैया करे और उनके थाली में रोटी और आटा का इंतजाम करे। और आज अमित शाह जो ये डाटा द्वारा रैली कर रहे हैं, वर्चुअल रैली, उनका हम लोग विरोध करते हैं। गरीबों को पहले आटा दीजिए, तब डाटा रैली कीजिए। वहीं महानगर युवा राजद के जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार के नेतृत्व में भागलपुर कोयला घाट के समीप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ताली और थाली बजाकर सरकार के प्रति विरोध जताया। राजद अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने कहा कि सरकार मजदूरों एवं गरीबों के प्रति गैर जिम्मेदार है और सरकार के आला अधिकारी द्वारा मजदूर विरोधी बयान सरकार की मानसिकता का परिचायक है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार के अवसर पैदा करे, जिससे किसी भी मजदूर को राज्य से बाहर नहीं जाना पड़े। वहीं नाथनगर के राजद नेता व जिला परिषद सदस्य डॉक्टर अशोक कुमार आलोक ने नाथनगर नूरपुर दलित बस्ती में गरीबों के साथ गरीब अधिकार दिवस मनाया। डॉक्टर अशोक कुमार आलोक ने कहा कि जनता कोरोना वायरस से परेशान है, रोजगार और राशन की समस्या से जूझ रही है, लेकिन सरकार वर्चुअल रैली करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि ताली और थाली बजाकर संवेदनहीन सरकार को नींद से जगाने का प्रयास किया गया। ये जो थाली पीते हैं, ये जो डब्बा ड्रम पीते हैं, ये जो लोटा ग्लास पीते हैं, ये साधारण बात नहीं है, ये एक शंखनाद है, ये आगाज है कि इस सरकार के गलत काम का हम विरोध करते हैं, इस सरकार के अन्यायपूर्ण काम का हम विरोध करते हैं। हम खुलेआम कहते हैं कि जब हम थाना पर जाते हैं तो गरीबों की बात को नहीं सुना जाता।
इधर राजद के पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत भाजपा नेता अमित शाह की वर्चुअल रैली के खिलाफ गांव-गांव में थाली कटोरा बजाकर विरोध किया गया। राजद प्रखंड अध्यक्ष बासुकीनाथ यादव के नेतृत्व में गरीब अधिकार दिवस मनाया गया, जिसमें गरीबों के अधिकार की बात करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जमकर विरोध किया गया। साथ ही गरीबों के लिए डाटा नहीं आटा देने की मांग की गई। इसके अलावा नवगछिया अनुमंडल के अलग अलग प्रखंडों में राजद नेता के नेतृत्व में जगह जगह गरीब अधिकार दिवस मनाया गया। इस दौरान ताली एवं थाली बजाकर सरकार के प्रति विरोध जताते हुए लोगों ने सरकार से मजदूरों एवं गरीबों के हित में कार्य करने की बात कही और गलत बयानबाजी से बचने की अपील की। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं से जनसंवाद किया। कोरोना महामारी के कारण देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के बाद भाजपा नेता अमित शाह द्वारा यह पहला जनसंवाद है, जिसे वर्चुअल रैली के रूप में संबोधित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कोरोना के बाद देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देते हुए कहा कि कोरोना वायरस से दुनिया परेशान है, इसे देखते हुए भारत और भारतवासियों को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को आत्मनिर्भर देश बनाने में सहयोग के लिए शपथ दिलाई। अमित शाह ने कहा कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, जिससे देश के साथ बिहार विकास की ओर तेजी से बढ़ता रहे। इसके अलावा गृह मंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार देश एवं बिहार के विकास के लिए संकल्पित है। भागलपुर के मर्यादा विवाह भवन में भाजपा जिलाध्यक्ष रोहित पांडे के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि गृह मंत्री के साथ संवाद से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। इस कोरोना महामारी के बाद पहला यह संबोधन हमारे माननीय गृह मंत्री जी का था और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी लोगों को एक उत्साह का संचार हुआ है पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं में। जिस प्रकार एनडीए की सरकार ने जो अपने इस दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष में जिस प्रकार के काम किए हैं, जिस प्रकार के देश के गौरव को बढ़ाने, देश के मान को और विश्वगुरु भारत आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो कदम रखा है, मजबूत कदम रखा है, इसके लिए यह सरकार, हम सभी लोग भागलपुर के वासी, बिहारवासी, इस सरकार को हम लोग साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं। इधर बिहार संवाद कार्यक्रम को लेकर पूर्व उप महापौर सह भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि भागलपुर विधानसभा के हर शक्ति केंद्र पर भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा बड़ी संख्या में आम लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अमित शाह के संबोधन को सुना। साथ ही डॉक्टर प्रीति शेखर ने बताया कि कोरोना संकट के दौरान देश की जनता को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हर जगह राहत कार्य चलाए। केंद्र एवं राज्य सरकार युद्ध स्तर पर जनता की सेवा में लगी रही। माननीय अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जनसंपर्क और जनसंवाद में भरोसा रखती है और जो विपक्षी इस वर्चुअल, जिसे कि बिहार संवाद का नाम दिया गया है, इसको लेकर जिस तरह की वो अफवाह उड़ा रहे हैं, ये कुछ चुनावी रैली नहीं है, बल्कि ये रैली उन करोड़ों लोगों के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए है जिन्होंने कोरोना जैसे संकट के इस काल में देश के साथ खड़ा होने का कार्य किया। और ये किसी राजनीतिक दल की ऐसी सोच कि इस संवाद के माध्यम से लोगों के प्रति आभार जताएं, ये बहुत बड़ी बात है। इसे ये इतनी अच्छी बात है कि विपक्ष को ये पच नहीं रहा है। वहीं सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के सभी शक्ति केंद्रों पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह के जनसंवाद रैली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। जिला भाजपा उपाध्यक्ष पवन कुमार मिश्रा द्वारा सभी शक्ति केंद्रों पर LCD की व्यवस्था की गई, जिससे सभी कार्यकर्ता गृहमंत्री से संवाद कर सके। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन सीतारामपुर धर्मशाला में किया गया, जहां भाजपा नेता पवन कुमार गुप्ता सहित कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने गृहमंत्री अमित शाह के लाइव संबोधन को सुना। पवन मिश्रा ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली को ऐतिहासिक बताया। देखिए, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये कोई चुनावी रैली नहीं है, ये वर्चुअल रैली है, लोगों से जनसंपर्क करने का। इस कोरोना काल में हम लोग एक दूसरा कैसे सुरक्षित रहे, उसके लिए कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, हम कार्यकर्ता को यही संदेश वो दिए कि हर घर में जनसंपर्क कैसे हो और कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप मदद करें, इसके लिए वो हम सभी कार्यकर्ता को जागृत किए। हम लोग भी कल से पहले से भी करते आ रहे हैं, पिछले 65 से 68 दिनों से सुल्तानगंज विधानसभा में
सारे जो जरूरतमंद हैं उनको सूखा राशन, सारे पूरे विधानसभा को हमने सैनिटाइज करवाया है। एक तरफ भाजपा की वर्चुअल रैली पर राजद के नेता और कार्यकर्ता थाली और ताली बजाकर विरोध प्रकट करते हुए गरीबों के अधिकार की बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ भागलपुर में राजद के वरिष्ठ एवं युवा नेता पार्टी के फैसले से नाराज दिखे। राष्ट्रीय जनता दल में डॉक्टर सलाहुद्दीन हसन पिछले 20 वर्षों से जुड़े हैं और इस बीच पार्टी ने डॉक्टर हसन से कई महत्वपूर्ण रैली और चुनाव से जुड़े कार्य करवाए, लेकिन बदले में महानगर अध्यक्ष का पद देकर मुंह बंद करा दिया। वहीं जब राजद में नई टीम का गठन हुआ तो पार्टी के नेताओं ने अपने ही वरिष्ठ नेता और लालू प्रसाद यादव की विचारधारा से प्रभावित नेता को नजरअंदाज कर दिया। पार्टी में उचित सम्मान नहीं मिलने से नाराज राजद नेता डॉक्टर सलाहुद्दीन ने दूसरी पार्टी में जाने का मन बना लिया है। ये पार्टी के हाईकमान का फैसला है या लोकल जो हमारे वरीय साथी हैं उनका निर्णय क्या है मेरे प्रति, अभी तक तो कोई पार्टी का पद, हालांकि जब से राष्ट्रीय जनता दल बनी मैं लालू जी के नेतृत्व में हमेशा काम करता रहा। जिला के प्रधान महासचिव के वक्त में, स्वर्गीय लक्ष्मी बाबू के टाइम, या डॉक्टर चक्रपाणि हिमांशु या डॉक्टर त्रिपति नाथ यादव, मैं प्रधान महासचिव के पद पर जिला में रहा। उसके बाद पिछले 5 वर्षों से मैं नगर का जिला अध्यक्ष रहा राष्ट्रीय जनता दल का, और इधर जो नई ये टीम बनी है इस टीम में मुझे कहीं जगह नहीं दिखी। हो सकता है कि मुझे इस लायक नहीं समझा गया हो या कुछ और सोचा जा रहा हो हमारे लिए, ये तो हम नहीं कह सकते, ये तो आला कमान का फैसला है। लेकिन हम भी अपने कार्य के प्रति ये हैं और अपने लिए सोचते हैं कि हमें क्या करना है, आगे हम खुद सोच करके इसका फैसला करेंगे। इधर महानगर अध्यक्ष को प्रदेश स्तर में जगह नहीं मिलने से खफा राष्ट्रीय जनता दल के महानगर सचिव सैयद रागीब हसन ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। सैयद रागीब ने कहा कि जो पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं को किनारे कर देती है वैसी पार्टी में होने का कोई औचित्य नहीं बनता है। हम आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ एवं युवा नेता के बिखराव से पार्टी को आने वाले चुनाव में भारी नुकसान हो सकता है। राजद छोड़ने का कारण ये है कि भागलपुर के जो वरिष्ठ नेता है, जो पुराने लोग हैं, उन लोगों की पार्टी जो है, पार्टी उन लोगों की कदर नहीं कर रही है। पार्टी में उन लोग पिछले लगभग 10 साल से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के प्रति कोई ध्यान नहीं है पार्टी का। कि हमारे बड़े भाई जो है सलाहुद्दीन अहसन जी, जो पहपुर में महानगर अध्यक्ष थे, उनको हम लोग का ये उम्मीद था कि उनको प्रदेश में कोई ना कोई जगह मिलना चाहिए था, लेकिन पार्टी ने ऐसा, शीर्ष नेतृत्व ने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया। शीर्ष नेतृत्व ने ऐसे लोगों को पार्टी में प्रदेश में बनाने का काम किया है जो कि 20 लोगों को भी जमा नहीं कर सकते हैं किसी रैली किसी पार्टी केस में। शहर में साइबर फ्रॉड की घटनाएं काफी बढ़ गई है। वहीं तिलकामांझी विश्वविद्यालय के अधिकारी इन दिनों साइबर ठगों के निशाने पर हैं। बारी बारी से साइबर ठग अधिकारियों के नाम पर उनके परिचितों से रुपए की मांग कर रहे हैं। साइबर ठग कभी कुलपति तो कभी प्राचार्य के नाम पर कुछ शिक्षकों से ईमेल कर मदद के तौर पर पैसे मांग रहे हैं। ताजा मामला मड़वाड़ी कॉलेज का है, जहां प्राचार्य डॉक्टर गुरुदेव पोद्दार को निशाना बनाते हुए ठगी की साजिश रची गई, लेकिन प्राचार्य ने अपनी सूझबूझ से साइबर ठगों की कोशिश को नाकाम कर दिया। प्राचार्य ने बताया कि फर्जीवाड़ा की लिखित शिकायत विश्वविद्यालय थाना में दर्ज करा दी गई है। वहीं जिले में बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए पुलिस कप्तान आशीष भारती ने आम लोगों से अपना पासवर्ड या गोपनीय जानकारी किसी से साझा नहीं करने की अपील की है। SSP ने कहा कि साइबर ठगों पर पुलिस की पैनी नजर है। हमारे नाम से कोई फेक ईमेल आईडी बना लिया गलत 420 करके और हमारे नाम पर लोगों से मदद मांगी जा रही थी, और उसमें ऐसा लगा कि ये जो 420 करने वाले 420 वाले जो व्यक्ति थे, जो भी इन्होंने फर्जी ईमेल आईडी बना के सारे शिक्षकों से मदद मांगी थी, मदद की गुहार लगाई थी हमारे तरफ से, तो इसकी जानकारी हमको हुई तो हमने तुरंत उसको व्हाट्सएप के माध्यम से ईमेल के माध्यम से सारे शिक्षकों को बता दिया कि यह 420 है, इस ईमेल से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए सारे लोग इसके लिए सावधान रहें और कोई भी आदमी इसके चंगुल में ना फंसे। मामला जो साइबर सेल के पास या जो थाने में जिस पर रिपोर्ट किया जाता है तो उस पर FIR दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। सभी लोगों से मैं अपील करता हूं आप लोगों के माध्यम से कि
जो पासवर्ड है उसको और ठीक तरीके से उसका इस्तेमाल करें, जो जो उसको बदलते रहें नियमित अंतराल पे, और जो प्रॉपर जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं उसका इस्तेमाल करें ताकि इस प्रकार की कोई भी जो धोखाधड़ी है उससे बचा जा सके, और जो इसमें शामिल रहेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर के नाथनगर भतोड़िया गाँव स्थित तालाब में नहाने के दौरान रविवार को एक वृद्ध की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान भतोड़िया गांव निवासी गोपाली मंडल के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक गोपाली मंडल प्रतिदिन अपने खेत आते थे और खाना खाने से पहले तालाब में स्नान करते थे। रविवार की सुबह तालाब में स्नान करने के दौरान उनका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में डूब गए। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों एवं अन्य लोगों ने काफी मशक्कत के बाद शव को तालाब से बाहर निकाला। इधर घटनास्थल पर पहुंची मधुसूदनपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। डॉक्टर शशिकर एमडी रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी एमआरआई स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सीटी स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा। डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच। डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG। अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। क्या आपको कान, नाक या गले में कोई समस्या है, जैसे कान बहना, सुनने में परेशानी, कान में दर्द, गले की खराश, गले में दर्द, थायराइड, नाक का मांस बढ़ना या एलर्जी इत्यादि है, तो समस्या के निदान हेतु आपके शहर में विश्व स्तरीय अस्पताल एडवांस ENT हॉस्पिटल, जिसमें अति आधुनिक उपकरणों द्वारा उपचार डॉक्टर HI फारूक की देखरेख में किया जाता है। डिजिटल एक्सरे एवं कंप्लीट ऑडियोलॉजिकल प्रोफाइल की व्यवस्था, साउंड प्रूफ परिवेश में बेरा, ऑटो एकॉस्टिक इमिशन, टेम्पोनोमेट्री जांच की जाती है, और हाँ, एक दिन के बच्चे की भी सुनाई का आकलन किया जा सकता है। बिना तार वाली कान के अंदर लगने वाली सूक्ष्म देसी विदेशी सुनाई की मशीन भी उपलब्ध है। विदेशी मशीनों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर तथा पेशेंट के रहने के लिए AC, नॉन AC जनरल वार्ड उपलब्ध है। चंपा नाला पुल के निकट, चंपा नगर, भागलपुर। नमस्ते, केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ आपसे अपील करती है कि कोरोना वायरस से बचें। कोरोना वायरस से बचने के लिए बार बार हाथ धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। खांसते या छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और वो यूज किया हुआ टिश्यू पेपर तुरंत ढक्कन डाल कचरे के डब्बे में फेंक दें। कहीं भी जाएं तो मास्क लगा के जाएं। किसी को खांसी, सर्दी
या सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो उससे 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अपने गंदे हाथ आँख नाक मुंह में ना सटाएं। आपको ये छोटी छोटी सावधानी आपको बहुत काम आ सकती है। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर शाहकुंड क्षेत्र के किशनपुर पंचायत में जन वितरण प्रणाली दुकानदार शहाबुद्दीन अंसारी को ग्रामीणों ने खुलेआम कालाबाजारी करते हुए पकड़ लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने मामले की सूचना सजौर पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने डीलर से अनाज लेने वाले दासपुर के व्यवसायी रामधारी साह को 2 क्विंटल चावल के साथ गिरफ्तार कर लिया। जबकि डीलर द्वारा कालाबाजारी करने की सूचना मिलने पर DSO एवं AMO डीलर की दुकान पर पहुंचे और मामले की जांच की। जांच के दौरान DSO ने पाया कि COVID-19 को लेकर अप्रवासी मजदूरों के लिए दिया गया अनाज डीलर ने वितरित नहीं किया है, जिसके बाद DSO ने डीलर शहाबुद्दीन अंसारी एवं व्यवसाय रामधारी साह के खिलाफ FIR दर्ज कराने का निर्देश दिया। साथ ही शहाबुद्दीन अंसारी की जनवितरण दुकान 1 महीने तक बंद कराने का निर्देश दिया। दरअसल दासपुर के व्यवसाय रामधारी साह को ग्रामीणों ने 4 बोरी अनाज के साथ पकड़ लिया, जिसके बाद व्यवसायी ने डीलर से 2 क्विंटल चावल लेने की बात कबूल कर ली, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना सजौर थाना को दे दी। ग्रामीणों ने डीलर पर राशन वितरण में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है और कहा कि जिस लाभार्थी का नाम सूची में है उसे भी राशन देने में डीलर आनाकानी करता है। भागलपुर माड़वाली कॉलेज में रविवार को राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार का विषय था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया चैप्टर और माड़वाली कॉलेज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में देश के कई विद्वानों और शिक्षा जगत से जुड़े लोगों ने भाग लिया। राष्ट्रीय वेबिनार में वेलकम स्पीच प्राचार्य डॉक्टर गुरुदेव पोद्दार और इनॉग्रल स्पीच तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने दिया। वहीं करीब 3 घंटे तक चली वेबिनार में CSI के चीफ गेस्ट AK नायक, प्रोफेसर MN होदा, प्रोफेसर SC यादव, प्रोफेसर शम्स रजा, BCA कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अनिल कुमार और भागलपुर के गोपाल कृष्ण ने अपनी बात रखी। वहीं प्राचार्य डॉक्टर गुरुदेव पोद्दार ने कहा कि ऑनलाइन संवाद और पढ़ाई वर्तमान समय की मांग है। BCA कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि वेबिनार में छात्र, शिक्षक, मेंबर और रिसर्च स्कॉलरों ने काफी संख्या में भाग लिया। आज का वेबिनार बहुत ही समयचिन्ह है, समय अनुकूल है और पूरे विश्व के लिए यह साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आवश्यक हो गया है और नया युग शुरू हो रहा है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर। यह आदमी को काफी सुविधा पहुंचाने वाला है और यह साइंस की संभावनाएं असीमित है पूरी दुनिया में हर क्षेत्र में। अब जो है जो 2 तरह के हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वीक और स्ट्रांग, तो यह जो है इसके संबंध में सारे इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं सब उसका लाभ उठाएंगे। भागलपुर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के रहमतपुर निवासी मोहम्मद सज्जाद सिद्दीकी ने थाना में आवेदन देकर जान माल की रक्षा करने की गुहार लगाई है। वृद्ध मोहम्मद सज्जाद ने बताया कि वह असम और मेघालय में रहकर माइनिंग का कारोबार करते हैं। 2.5 माह पूर्व अपने पैतृक घर भागलपुर आए थे, जिसमें लॉकडाउन की वजह से यहाँ फंस गए। मोहम्मद सज्जाद ने बताया कि शाहजंगी स्थित उनके ससुराल के समीप रहने वाले मोहम्मद समीर और मोहम्मद उस्मान उनसे लगातार रुपए देने की मांग कर रहे हैं और रुपए नहीं देने पर अपहरण करने की धमकी दे रहे हैं। घटना से परेशान बुजुर्ग ने मधुसूदनपुर थाना में आवेदन देकर बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक मामला दर्ज नहीं किया गया है। पूरे मामले को लेकर जब मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि घटना की जांच की जा रही है। वहीं डरे सहमे बुजुर्ग ने कार्रवाई नहीं होने पर DGP से शिकायत करने की बात कही। हेलो, मैं अभी आसाम से, आसाम में मेरा कारोबार चलता है। लॉकडाउन की वजह से मैं अपने पैतृक स्थान भागलपुर में आया हुआ हूँ। मेरे पीछे कुछ आपराधिक लोग पड़े हुए हैं और मेरा किडनैपिंग करना चाहते हैं और किडनैपिंग करके मेरे से पैसा लेना चाहते हैं और हमें जान से मारना चाहते हैं। मैंने थाना में आवेदन किया था मधुसूदनपुर में, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और मैं SSP, SP, DSP को भी दिया था, अभी तक कोई भी कार्रवाई हमारे पास नहीं हुई है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए जदयू व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक कुमार भुवानिया 1 लाख लोगों के बीच मास्क का वितरण करेंगे। वहीं रविवार को भागलपुर नगर निगम के पूर्व महापौर दीपक भुवानिया ने अपनी टीम के साथ शहर के कोतवाली एवं मंदरोजा चौक के समीप मास्क वितरण का अभियान शुरू कर दिया। पहले दिन प्रदेश उपाध्यक्ष ने करीब 5,000 मास्क बांटे और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। इस दौरान दीपक भुवानिया ने खुद कई लोगों का तापमान चेक किया और सरकारी दिशा निर्देश की जानकारी दी।
वहीं दीपक भुवानिया ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य के लोगों के स्वास्थ्य एवं रोजगार को ध्यान में रखते हुए कई योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। मौके पर जिलाध्यक्ष दीपक गुप्ता, कैलाश झुंझुनवाला, काली शंकर, नवनीत सर्राफ समेत जदयू व्यावसायिक प्रकोष्ठ से जुड़े कई कार्यकर्ता मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा आयोजित वर्चुअल रैली के खिलाफ वाम दलों द्वारा विश्वासघात एवं धिक्कार दिवस मनाया गया। इसको लेकर धौरैया प्रखंड मुख्यालय स्थित मालाहाट परिसर में MLC संजय कुमार के नेतृत्व में रविवार को कार्यकर्ताओं ने जमकर सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार विपक्षी पार्टी और सामाजिक संगठनों को दरकिनार कर तानाशाही रवैया अपना रही है। साथ ही भाकपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना से लड़ाई में विफल रही सरकार करोड़ों मजदूरों के जीवन को खतरे में डाल चुकी है। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देव व्यापार के अड्डे पर पुलिस ने मारा छापा, 3 सेक्स वर्कर बरामद, संचालक और ग्राहक गिरफ्तार। बिहार विधानसभा चुनाव का हुआ आगाज, राजद ने बजाई थाली तो भाजपा ने की वर्चुअल रैली। पार्टी में पद नहीं मिलने से नाराज नेताओं ने दल छोड़ने का किया ऐलान, कहा वर्षों की सेवा नहीं मिला सम्मान। साइबर ठगों ने कुलपति और प्राचार्य को बनाया निशाना, ईमेल के जरिए मांगे रुपए, FIR दर्ज। और भागलपुर में तालाब में नहाने के दौरान वृद्ध की डूबने से हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।